हाय फ्रेंड, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं फिर इसके विद्यासागर सिंह चैनल। तो देखिए, आज की वीडियो में हम आज बताएंगे एक्सरसाइज 1.2, एक 11वीं क्लास का एनसीईआरटी बुक है हिंदी मीडियम। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि देखिए सारा डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं जिस तरह से पढ़ाई किया हूँ उसी तरह आप लोग मेरे भाई जैसे हैं, मेरे ही उम्र के होंगे, तो आप लोग का जितना भी दिक्कत है, डाउट है, मैं सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि टीचर के एक पढ़ाने का फ़र्ज नहीं होता है, टीचर का एक फ़र्ज होना चाहिए कि सभी बच्चों का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, उसको दूर किया जाए, तो उसी के बारे में हम दूर करेंगे। देखिए, कोई भी आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा, पहले ध्यान से आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है आपको तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नीचे अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं डेली पढ़ने के लिए, न्यूज़ जानने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का बटन दिया गया है और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको सबसे पहले पता चल जाएगा और पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय है। देखिए, रिक्त समुच्चय यहाँ पे साफ साफ देखिए, रिक्त समुच्चय है क्या, यही बात हम अच्छे से जानेंगे। रिक्त समुच्चय है क्या, तो रिक्त समुच्चय जान लीजिए वह सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ऐसे देखिए, कहने का मतलब, ऐसे तो मैं उदाहरण का एक वीडियो बना कर लाया हूँ, एक नहीं दो वीडियो है, वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी 11वीं क्लास का प्लेलिस्ट है आगे मिलेगा आपको, वो भी देख लीजिएगा। तो रिक्त समुच्चय जान लीजिए वह सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, देखिए वो खाली रहे। रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में नल सेट कहते हैं, या एम्प्टी सेट कहते हैं, या खाली सेट, या रिक्त समुच्चय कहते हैं। ये चारों नाम में से कोई भी एक कह सकते हैं, ठीक है। तो समझिए, हम लोग को करना क्या है, बताना है केवल कौन सा रिक्त समुच्चय है और कौन रिक्त समुच्चय नहीं है। तो दोनों में से कोई एक बताना है, कौन रिक्त समुच्चय है और कौन रिक्त समुच्चय नहीं है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है दो से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। अच्छा, ध्यान दीजिए, दो से भाज्य विषम संख्या, या ऐसे लिखेंगे कोई भी विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या दो से भाज्य नहीं होगा। देखिए, कोई भी विषम संख्या दो से भाज्य नहीं होगा, यानी दो से पूरा नहीं कटेगा। तो कोई भी जब विषम संख्या दो से पूरा नहीं कटेगा तो हम कह सकते हैं कि ये कोई भी, अगर हम एलिमेंट को इसको लिखे सेट के अंदर, तो कौन सा ऐसा संख्या है, विषम संख्या होना चाहिए, विषम प्रकृत संख्या होना चाहिए और दो से कटने वाला। तो देखिए, विषम संख्या 1, 3, 5, 7 होता है और कह रहा है दो से कटने वाला, दो से कटने वाला नहीं होता है, दो से कटने वाला विषम संख्या नहीं होता है। मतलब इसके कहने का मतलब, इसमें कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता है जो दो से कट जाए, यानी कोई विषम संख्या नहीं हो सकता है जो दो से कट जाए। तो इसलिए इसको कह सकते हैं, यानी इस सेट को हम भरने जाएं तो क्या भर सकते हैं, खाली छोड़ देंगे, तो इसीलिए हम कह सकते हैं इसलिए यह रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। यहाँ पे और ध्यान दीजिए, दूसरा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखिए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम होना चाहिए और अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिए, केवल दो होगा, ध्यान दीजिए। अभाज्य संख्या, कितने लोग सोच रहे हैं सम अभाज्य संख्या नहीं होता है, तो ध्यान दीजिए होता है। अभाज्य संख्या उसी संख्या को कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से पूरी पूरी विभाजित ना हो, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, दो है, दो किसी संख्या से कटेगा नहीं, एक से कटेगा नहीं तो स्वयं से कटेगा, दो दो से ही कटेगा नहीं तो एक से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। और साथ में सम संख्या भी है, देखिए सम संख्या भी होना चाहिए और अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य दोनों है, तो इसलिए कह सकते हैं तो दो हो जाएगा। जब दो हो जाएगा तो लिखेंगे यह रिक्त समुच्चय नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिएगा यह रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। क्योंकि समझिए पहले, वह सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, रिक्त समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, और यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है तो दो जो है ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है।
दो जो है सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या, तो हमको दो पता चल जा रहा है, तो इसमें भरना होगा तो एलिमेंट में हम दो भर देंगे। तो इसमें कह रहा है कोई नहीं होना चाहिए, इसमें हो जा रहा है, तो इसीलिए कहेंगे यह रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, इसका इसके बाद तीसरा ध्यान दीजिए, एक्स सेट है, एक्स एक प्रकृत संख्या है जो पाँच से छोटा है और सात से बड़ा। आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसे हम बता दे रहे हैं, सबसे पहले बता दे रहे हैं तब लिख देंगे। ध्यान दीजिए, वो ऐसा कोई संख्या हमको बताइए जो पाँच से छोटा होना चाहिए और सात से बड़ा। तो देखिए पाँच से छोटा कौन होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, और माइनस में जो होगा यही पाँच से छोटा है। और सात से बड़ा कौन होगा, तो सात से बड़ा हो जाएगा आठ, नौ, दस, यानी प्लस में ही होगा, सात से बड़ा माने उधर चला जाएगा। तो समझिए पहले इसे पाँच से छोटा बात करेंगे तो पाँच से छोटा हो जाएगा, और सात से बड़ा तो सात से बड़ा हो जाएगा, तो वो दोनों में देखेंगे मिलाकर तो मिलेगा। अगर हम ढूंढते भी हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान के चलिए माइनस में तीन, माइनस में दो, एक जीरो, एक दो, तीन चार, पाँच से ये सब छोटा है, और यहाँ पे देखिए सात से बड़ा करेंगे तो सात से बड़ा हो जाएगा आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, ये बहुत ही चला जाएगा, और ये माइनस की ओर बढ़ेगा, इधर नहीं बढ़ सकता है, इधर अगर बढ़कर आठ तक आता तो आठ आठ मिल जाता तो रिक्त समुच्चय नहीं होता। लेकिन यहाँ पे साफ साफ हम देख रहे हैं तो ना ये कोई भी संख्या इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी संख्या अगर जो संख्या पाँच से छोटा होगा वो सात से बड़ा होगा ही नहीं। इसे देखिए एक्स कोई भी संख्या मान लीजिए, एक्स कोई भी मान लीजिए, कह रहा है पाँच से छोटा है, एक्स का मान पाँच से छोटा है तो सात से बड़ा नहीं हो सकता है। आप लोग पूरा समझ गए कि सात से नहीं बड़ा हो सकता है, तो इसलिए लिख देंगे हम, ध्यान दीजिए यहाँ पे आंसर के लिए क्या लिखेंगे, आप तो पूरा हम जान रहे हैं, समझ गए हैं। देखिए जो भी डाउट होता है उसको मैं क्लियर करने पे रहता हूँ, ये नहीं कि डाउट के डाउट रह जाए तो फिर पढ़ने से फ़ायदा होगा ही क्या। तो समझिए जो संख्या पाँच से छोटा होगा वो संख्या सात से बड़ा नहीं होगा। देखिए जो संख्या पाँच से जो छोटा होगा वो सात से बड़ा होगा ही नहीं, वो तो खुद पाँच से छोटा है तो सात से बड़ा नहीं होगा, तो लिख देंगे इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है। इतना लिखना है आपको, यहाँ पे नहीं लगा देना है, ये वाला जो है यहाँ पे आपको सेट कर देना है और यहाँ पे नहीं लगा देना है। ठीक है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, यहाँ पे लिख से इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं है, यहाँ पे भर लीजिएगा। ठीक है, अंतिम वाला देखिए, वाई सेट है, वाई किन्हीं दो समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखा आप लोग समझ सकते हैं ऐसा होता है, यानी समांतर रेखा एक दूसरे के समांतर मैंने समान होता है लेकिन कुछ ना कुछ अंतर होता है, यानी ये दोनों रेखा मिलता नहीं है कहीं पे जाके। इसे देखिए ऐसे रेखा रहेगा और ऐसे रेखा रहेगा तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा रेखा कभी मिलेगा नहीं। और हाँ, समांतर रेखा होना चाहिए तो समांतर रेखा देखिए यही हुआ, समांतर रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ माने कहने का मतलब एक बिंदु कॉमन पॉइंट होना चाहिए, कॉमन पॉइंट यानी उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन पॉइंट, समझिए मेरे बात के। कॉमन माने वो होता है जो दोनों में हो, दोनों में हो एक कॉमन। इसे देखिए मैं लाल शर्ट पहना हूँ और मेरा दोस्त भी लाल शर्ट पहना है, तो दोनों लोग हम लोग लाल शर्ट पहने हुए हैं तो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों कॉमन है। क्या कॉमन है, तो लाल शर्ट, क्योंकि दोनों में है। तो उसी तरह दोनों में होना चाहिए, एक ऐसा बिंदु जो दोनों में होना चाहिए। तो इसका कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पे, तो ये बिंदु दोनों में है नहीं है, लेकिन ये इसका अगर रहेगा प्रतिच्छेदी रेखा, इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, इसको समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा में कोई एक बिंदु नहीं है जो उभयनिष्ठ माने दोनों में होगा, लेकिन इसमें एक बिंदु देखिए यहाँ पे है जो दोनों में होगा। ये बिंदु देखिए इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ जो बिंदु है वो दोनों में हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा, ये प्रतिच्छेदी रेखा में हो जाएगा लेकिन समांतर रेखा में नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे, देखिए क्या लिखना है आपको, ध्यान से यहाँ पे लिख लीजिएगा, चूंकि समांतर रेखा का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है इसलिए यह, देखिए समांतर रेखा का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये समझ गए। इसके अगला देखिए, तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन
देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से परिमित और अपरिमित समुच्चय है? ध्यान दीजिए, कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। तो यहाँ परिमित हम लिख नहीं रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। परिमित समुच्चय क्या है? वैसा समुच्चय यानी वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स की संख्या परिमित हो यानी ज्ञात हो यानी पता हो पहले से, ठीक है, यानी कोई अनंत ना हो, ठीक है। और अपरिमित जो होता है पता ना हो, जानकारी ना हो, ज्ञात ना हो, इन्फिनिट हो, मतलब कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। जो अपरिमित होता है जिसके अवयवों की संख्या यानी एलिमेंट्स की संख्या वो अपरिमित हो जाता है, अपरिमित भी जान गए। अगर ध्यान से देखना है और अच्छे से और जानना है तो इसके लिए मैंने पहले भी बता दिया है, तो एक डिफिनेशन वाला ही आप लोगों का परिभाषा वाला ही एक वीडियो बनाए हुए हैं, एक और एक बनाए हैं, यानी दो वीडियो बनाए हैं, उसको देख लीजिएगा। तो देखिए, परिमित और अपरिमित, तो दोनों को बारे में आप ध्यान से बारीकी से समझिए। क्वेश्चन बनाने से मतलब नहीं है तो 10 मिनट में बना के हम चले गए, 5 मिनट में बना के चले गए, बनाने का ये 2-2 मिनट का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। ध्यान दीजिए, परिमित अपरिमित जान जाइए, जिसकी संख्या पता रहेगा एलिमेंट्स का वो परिमित, जिसका पता नहीं रहेगा वो अपरिमित। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, वर्ष के महीनों की संख्या 12 होते हैं, 12 होते हैं, आप लोग जान गए। देखिए, आप लोग सबसे पहले समझिए बात को, वर्ष के महीना कितना होता है? 12। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमें पता है, जानकारी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर अक्टूबर दिसंबर, ये 12 होता है, ठीक है। तो हमें पहले से ही पता है, तो ये साफ साफ कह सकते हैं, इसलिए यह परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय समुच्चय है। और इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा दिया हुआ है 1, 2, 3, तो लिखेंगे, चूंकि इस समुच्चय में अंतिम संख्या ज्ञात नहीं है, इसलिए यह परिमित समुच्चय नहीं होगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा, यह परिमित समुच्चय नहीं होगा। ध्यान दीजिए क्यों, देखिए 1, 2, 3 डॉट 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 कहने का मतलब ये, अंतिम बिंदु हमको पता नहीं है कितना लेना है, तो जब पता नहीं है तो अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा यानी अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। हम बताए हैं आपको, जो पता रहता है उसी को परिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक है। आप परिभाषा वाला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। ऐसे तो मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, जो भी समझना है आपको शुरू में समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाते रहे, खुद बना लेंगे आप। ध्यान दीजिए, तो इसका अनंत बिंदु यानी अंतिम बिंदु नहीं पता था, इसीलिए इसको कह दिए ये परिमित समुच्चय नहीं है। तो क्या कहेंगे, ऐसे भी कह सकते हैं परिमित समुच्चय नहीं है, लेकिन कह रहा है परिमित नहीं, हाँ नहीं बताना है, केवल इसमें दो बताना है, परिमित कहिए या अपरिमित कहिए। तो यहाँ लिख देंगे अपरिमित समुच्चय है, ठीक है, परिमित नहीं या अपरिमित है, जैसे लिखेंगे या अपरिमित समुच्चय। आपको साफ साफ पता चल रहा है अपरिमित क्यों है, देखिए पहला दूसरा और तीसरा, देखिए चौथा यहां पे लिख दिए हैं गलती से, तीसरा यहां पे, तीसरा सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए 1, 2, 3 डॉट 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 9900, देखिए यहाँ पे अंतिम बिंदु हमें मालूम है 9900, सही के बाद में कोई नहीं है, तो यहाँ पे अंतिम बिंदु आपको पता चल जाए तो लिख दीजिएगा, चूँकि इस समुच्चय का अंतिम बिंदु 100 है, इसलिए यह परिमित समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। लिखिएगा, चूँकि इस समुच्चय का अंतिम बिंदु 100 है, इसलिए यह परिमित समुच्चय, इसका हो गया आंसर, सही से आप लिख लीजिएगा। चौथा देखिए, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अच्छा ध्यान दीजिए, 100 से बड़ा, तो लिखेंगे चूंकि इस समुच्चय में भी अंतिम संख्या ज्ञात नहीं है, सेम यही वाला लिखना है, देखिए जो यहाँ लाइन लिखा गया है वही वाला लिख दीजिएगा पूरा, क्योंकि 100 से बड़ा, 100 से बड़ा तो हम कर देंगे,
लेकिन सबसे बड़ा कितना तक करेंगे हमें यही अंतिम बिंदु नहीं मालूम है, इसलिए यह अपरिमित हो जाएगा। ये सेम ये दोनों जो है दोनों ये पूरा का पूरा छाप देना है, केवल यहाँ पे लाकर यहाँ पे कॉपी कर देना है, लिख देना है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा तो समझेंगे, बात करते हैं पचवा का, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। देखिए लिखेंगे 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बराबर लिखना होगा, तो लिखेंगे 99 से छोटा, तो देखिए सबसे पहले तो 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, डॉट 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 97 होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं 97। कहने का मतलब देखिए 99 से छोटा, 99 तो भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है, 98 भी भाज्य नहीं है, लेकिन 97 अभाज्य है। तो यही देखिए 97 अंतिम बिंदु यहाँ पे मालूम चल गया ना। लिखेंगे इस समुच्चय में अंतिम संख्या अज्ञात है, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। आप लोग इसको ध्यान से समझिए, 2 से चालू हो रहा है ठीक है, लेकिन इसका अंतिम बिंदु मालूम है हमें कितना चाहिए, 97 ही तक रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि यहीं पर रोका गया है इसको, 97 बिंदु मैंने अंतिम बिंदु हमें ज्ञात हो गया है, तो इसलिए यह परिमित समुच्चय है ठीक है। तो इसको अगर आप लोग समझ गए होंगे तो ठीक है, आगे भी मेरा वीडियो देखते रहिए, और अभी तक मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए, जो क्योंकि जब सब्सक्राइब करना फ्री है तो इसमें संकोच मत करिए, सब फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप पढ़ने वाले हैं तो आपका दोस्त भी पढ़ने वाला होगा, तो उसको भी एक रवि क्लास का मैथ की जरूरत है, तो इसके पास शेयर जरूर करिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।